रुकते हैं प्रदेश की ओर। अगले वर्ष होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में स्कूली छात्रों को केवल 20% ही कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा, जबकि 40% आसान और 40% औसत दर्जे के प्रश्न प्रश्नावली में शामिल किए जाएंगे। ये कहना है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सोनी का। सोनी की माने तो ए, बी और सी तीनों सीरीज में तैयार प्रश्न पत्र में एक समान पैटर्न्स के सवाल पूछे जाएंगे, जबकि इस बार एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी शामिल होंगे। अगले वर्ष होने वाले 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में स्कूली छात्रों को केवल 20% ही कठिन सवालों का सामना करना पड़ेगा, जबकि 40% आसान और 40% औसत दर्जे के प्रश्न प्रश्नावली में शामिल किए जाएंगे। ये कहना है हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन सुरेश कुमार सोनी का। सोनी की माने तो ए, बी और सी तीनों सीरीज में तैयार प्रश्न पत्र में एक समान पैटर्न्स के सवाल पूछे जाएंगे, जबकि इस बार एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न भी शामिल होंगे। इस बात की जानकारी देते हुए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुरेश कुमार सोनी का कहना है कि बोर्ड परीक्षाओं में माना जाता है कि सी सीरीज का पेपर ज्यादा कठिन होता है, इसलिए अध्यापकों को आदेश दिए गए हैं कि ए, बी और सी तीनों सीरीज के प्रश्न पत्र में एक समान पैटर्न्स का ध्यान रखा जाए। इसके साथ ही इन्फॉर्मेटिव बेस्ड सवालों के साथ ही इस बार एप्लीकेशन बेस्ड सवालों को भी प्रश्नावली में एक समान तवज्जो दी जाएगी। गौरतलब है कि इस बार 10 साल की नियमित सेवा देने वाले अध्यापक ही प्रश्न पत्र बनाएंगे, जिनमें कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। वहीं सबसे पहले प्रश्न बैंक तैयार किया जाएगा, जिसके बाद ही पेपर सेटिंग होगी। वहीं प्रश्न पत्र तैयार करने वाले अध्यापक को 1200 से 1500 रुपए दिए जाने वाला मानदेय भी बढ़ाकर 1800 से 2300 रुपए कर दिया गया है। ये सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते और सभी बच्चे क्या पढ़ाई के क्षेत्र में एकेडमिक्स के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएंगे तो ये संभव नहीं है। अलग अलग क्षमताएं हैं, इसलिए इजी लेवल का 40% ऐसा पेपर होना चाहिए, एवरेज लेवल का 40% और 20% बहुत ही हार्ड लेवल का होना चाहिए, जिससे मेरिटोरियस बच्चा भी आगे जाए और अपनी मेहनत से इजी क्वेश्चंस को बच्चा कर सके, जिससे आगे कुछ ना कुछ उसे विश्वास और किरण अपनी ज़िंदगी में दिखे कि मैं अपने आप स्वयं में कर सकता हूँ। आम समाज से भी बातें सुनने को मिलती है कि जो सी सीरीज़ होती है वो कठिन हो जाती है। हम ऐसा मोटिवेशन अध्यापकों का कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि जितने भी पेपर सेटर हैं या मॉडरेटर्स हैं उनको हम कहते हैं पहले अपना क्वेश्चन बैंक बनाओ। क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए तीन सीरीज़ में इजी क्वेश्चन तीन सीरीज़ में बराबर डालो, एवरेज क्वेश्चन तीन सीरीज़ में बराबर डालो, हार्ड क्वेश्चन तीन सीरीज़ में बराबर डालो और विशेषकर न्यूमेरिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन डालो, क्योंकि जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहाँ पर कम से कम 50% एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इन्फॉर्मेटिव 50% आते हैं। हमारे ज़्यादा ऐसा पैटर्न है कि उसमें इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछते थे बोर्ड में, तो हमने ये हिदायत दी है कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित करें। मुझे लगता है कि अध्यापक